हेलो दोस्तों, आज हम यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का जो फाइनल पेपर ANM फर्स्ट ईयर में हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये पेपर जो हुआ था वो नवंबर 2022 में हुआ था। ये हमारा ANM फर्स्ट ईयर एक्जिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ का फर्स्ट ईयर का पेपर है, वो भी प्राइमरी हेल्थ केयर का पेपर है। ठीक है, ये पूरे 3 आवर्स का होता है और जो इसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 75 मार्क्स का होता है। देन हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं और किस टाइप्स के होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एग्ज़ाम में लिखते हैं। सो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी हिंदी और इंग्लिश बच्चों के लिए, जो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में कर सकते हो, क्योंकि ANM का जो पेपर होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। सो हमारा है 4 ऑप्शन ऑफ आंसर ऑफ इच क्वेश्चन आर गिवेन, ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, चूज एंड राइट ओनली करेक्ट ऑप्शन आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन नंबर। और 5 मतलब ये होता है 5 मार्क्स का होता है, इच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। देन हमारा जो फर्स्ट है वो है वेक्टर ऑफ काला आजार, काला आजार का वेक्टर है कौन सा है। ये हमारा ऑप्शन है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो है, सेंड फ्लाई है, और क्या है एनिफिलीज मच्छर है, उसके बाद से एडिस मॉस्क्यूटो है। सो जो आपको पता है, जो आपने पढ़ा है, जो आपको राइट लगता है उस पर आप टिक कर सकते हो। एंड दूसरा हमारा है व्हाट इज़ द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो वायरस, पोलियो वायरस के संचरण का मार्ग है। जो हमारा ए है वो है ड्रॉपलेट है, बी है फीकल ओरल है, सी है ट्रांसप्लांसेंटल है, और डी जो हमारा है ऑल द एबव। जो आपने पढ़ा है, जो आपको सही लगता है उस पर आप टिक कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज ऑल्सो नोन एज वूपिंग कफ, निम्नलिखित में से किस संचारी रोग को लिंग खांसी के नाम से जाना जाता है। ए हमारा ऑप्शन है वो है डिप्थीरिया, बी है मम्स, सी है रूबेला, और डी है पर्टुसिस। एंड हमारा फोर्थ है पर्सन इज विच इन्फेक्शन एजेंट लिव्स ए मल्टीपल्स, मतलब कि वह व्यक्ति जिसमें संक्रामक कारक कर हता और गुण करता है। ए है हमारा होस्ट है, बी वेक्टर है, सी जलाशय है, एंड डी पोर्टल ऑफ एंट्री है। हमारा 5th नंबर क्वेश्चन आता है ट्रेकोमा इज़ ए डिजीज़ ऑफ, ट्रेकोमा डिजीज़ किस बीमारी का है, आई का है, लिवर का है, किडनी का है, लंग्स का है। जो ट्रेकोमा होता है वो आई में होता है, यहाँ तक हमको पता है। एंड दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है चूज राइट और रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी 5 नंबर का होता है, इस क्वेश्चन पे 1 मार्क्स होते हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो है रोटा वायरस कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोलेरा, रोटा वायरस हैजा का प्रेरक एजेंट है, ये सही है या गलत इस पर आप टिक कर सकते हो। एम हमारा दूसरा है मोंटेक्स टेस्ट इज़ यूज फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस, मेंटोक्स टेस्ट उपयोग तपेदिक के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए किया जाता है। अगर आपको पता है तो आप टिक कर सकते हो, राइट है तो राइट है एंड रॉन्ग है तो रॉन्ग है। एंड टाइफॉइड फीवर इज ए कॉज्ड बाय साल्मोनेरा टाइफी, टाइफॉइड बुखार साल्मोनेरा टाइफी के कारण होता है, ये बैक्टीरिया का नाम है जो कि सही है, टाइफाइड बुखार साल्मोनेरा टाइफी के कारण ही होता है। एंड हमारा 4th है डिक्रीज्ड लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इन कॉल्ड हाइपोक्सिया, रक्त में ऑक्सीजन के स्तर में कमी हाइपोक्सिया कहलाता है। आप अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस किस नाम से बुला सकते हैं उसे, मतलब एक मेडिकल टर्म होता है जो कि दिया गया हाइपोक्सिया ही कहते हैं। एंड जो हमारा 5th है वो है इनेबिलिटी टू कंट्रोल यूरिनेशंस इज कॉल्ड डिस्यूरिया, मतलब कि इसमें दिया है कि यूरिन को कंट्रोल करने में असमर्थ डिस्यूरिया कहा जाता है। डिस्यूरिया का मतलब क्या होता है वो मेडिकल टर्म है, सो अगर आपने पढ़ा है आपको पता है तो आप इस पर लिख सकते हो। सो ये गलत है क्योंकि डिस्यूरिया का मतलब होता है यूरिनेशन, डिस्यूरिया का मतलब होता है यूरिनेशन में पेन होना, सो उसे हम बोलते हैं डिस्यूरिया। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा 5 नंबर का है और इच क्वेश्चन पे 1 मार्क्स का होता है, एंड 5th क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स का होंगे। एंड हमारा फर्स्ट आता है मिजल्स वैक्सीन इज़ एडमिनिस्टर इन रूट, खसरे का टीका का मार्ग में लगाया जाता है। एंड हमारा दूसरा है पावर ऑफ बॉडी ऑफ फाइट एजेंट इन्फेक्शन इज कॉल्ड, मतलब कि इन्फेक्शन से लड़ने की बॉडी की शक्ति को क्या कहते हैं, हम तो बता सकते हैं किसको क्या कहते हैं, इम्यूनिटी पावर बोलते हैं।
डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, डेफिशिएंसी ऑफ इन ब्लड इज़ कॉल्ड एनीमिया। रक्त में क्या कमी हो जाती है तो एनीमिया बुलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं HB या हेमोग्लोबिन। एंड हमारा फोर्थ है डायबिटीज मेलिटस इज़ ए डिक्रीज। मधुमेह मेलिटस एक रोग है, क्या है? ब्लड डिजीज, मतलब कि मधुमेह मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस इज़ ए डिजीज़। तो यह एक शुगर, शुगर डिजीज़ है। एंड हमारा फिफ्थ है द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टिटनेस। टिटनेस का कारक कौन सा है? तो मैं बता सकती हूँ, जो इसमें मेन बैक्टीरिया होता है वो होता है कोलिस्टेडम टिटेनी होता है। एंड हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स का होता है। सो इसमें 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं, बट हमें 4 ही क्वेश्चन करने होते हैं। जो हमें पता हो, जो हमें क्वेश्चन हम जानते हैं, उस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। मतलब कि इसमें जो ईच क्वेश्चन होते हैं उन पे 5 मार्क्स होते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट है वो है डेंगू, डेंगी के बारे में हमें लिखना है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। इसका मतलब है कि हम मेडिसिन्स को, मतलब हम ड्रग्स को द अपने मतलब कैसे कैसे हम ले सकते हैं, उस चीज़ को हमें लिखना है। 5 मार्क्स का है ये भी। जो हमारा थर्ड है इन्फेक्शन वेस्ट डिस्पोजल, संक्रामक अपशिष्ट अपशिष्ट निपटान। एंड हमारा फोर्थ आता है गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का गोल्डन रूल लिखना है। फिफ्थ आता है एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आता है, टीकाकरण अनुसूची है। एंड हमारा सिक्स है हार्ट स्ट्रोक। ये ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस 5-5 मार्क्स के हैं। सो आप 6 में से 4 ही क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हमारा आता है फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है एंड लॉन्ग आंसर लिखने पड़ते हैं। जो हमारा ईच क्वेश्चन, ये 40 मार्क्स के होते हैं। जो ईच क्वेश्चन होता है वो 10 मार्क्स का होता है। सो इसमें 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं, हम 4 क्वेश्चन को कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा व्हाट इज इम्यूनिटी डिक्रीज द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इट डिटेल्स विथ एग्जाम्पल्स। सो हमें इम्यूनिटी के बारे में लिखना है और इम्यूनिटी को डिस्क्राइब करना है और इसके टाइप्स को लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि कम से कम 3 से 4 पेज में हम लिख सकते हैं। एंड हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है लिस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, डिस्क्राइब द कॉजेज साइन एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट रिगिवन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यू प्रोवाइड केयर टू पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। सो इसमें दिया गया है सामान्य श्वसन समस्या को सूचीबद्ध करें पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लक्षणों को और उपचार के तरीकों का वर्णन। आप सांस की समस्या वाले रोगी को देखभाल कैसे करेंगे, इस कंडीशंस को हमें लिखना है। सो ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आप 4 या 5 पेज में ही लिख सकते हैं। थर्ड हमारा आता है व्हाट इज फीवर इन लिस्ट टाइप ऑफ फीवर एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ फीवर। क्या करना है, लिखना है बुखार क्या है, बुखार के प्रकारों को सूचीबद्ध करें, बुखार के रोगी को नर्सिंग प्रबंध की व्याख्या करें, इसके बारे में हमें लिखना है। एंड हमारा जो फोर्थ है वो है डिफाइन डायरिया, राइट द कॉजेज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायरिया एज ए HW, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन मेजर इन कंट्रोल एंड स्प्रीड ऑफ द डिक्रीज इन योर कम्युनिटी। एंड जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो दिया है व्हाट इज HIV एड्स, व्हाट आर द कॉजेज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एड्स, व्हाट इज योर रोल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट्स द चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड एड्स। HIV और एड्स के बारे में हमें लिखना है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है। सिक्स हमारा आता है डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीज, राइट डाउन इम्पोर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज, एक्सप्लेन रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ HIV इन प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें दिया गया है संचारी रोगों को परिभाषित कीजिए, महत्वपूर्ण संचारी रोगों को लिखिए, संचारी रोगों की रोकथाम और उन्मूलन के HW की भूमिका और जिम्मेदारियों की व्याख्या कीजिए। सो जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर का पेपर है उसको हम इस पूरे लेक्चर में कवर कर लिए। सो इससे ANM फर्स्ट ईयर वालों की काफ़ी हेल्प हो सकती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं इसको पेपर को देख सकते हैं, ANM के पेपर को। सो अभी के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ मिलते हैं।